लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, 3 टाइम का खाना मिल ही जाता है, कपड़ा लत्ता स्मार्टफोन सब है ही, पढ़ाई लिखाई या काम जो भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को ये जबरदस्ती महसूस करवाते हो कि जिंदगी में लड़की के प्यार की कमी है, गर्लफ्रेंड की कमी है, उसके आने से ये अधूरी सी जिंदगी पूरी हो जाएगी। फिर लगाते हो जुगाड़ दोस्तों से बोलकर या किसी तरह किसी लड़की को पटा लेते हो ताकि कमी पूरी हो जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि जैसा सोचे थे ये तो वैसी है ही नहीं, ये तो दूसरे ही टाइप की है। या फिर जब वो ब्रेकअप ही करके चली जाती है तब फिर आप सोचते हो कि वो पहले वाला दिन ही कितना अच्छा था जब आप बिना गर्लफ्रेंड के थे, सिंगल थे, जो बनता था घर में खाते थे, फोन में वीडियो देखते थे, दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे और जो अपना काम है वो भी मन लगा के करते थे। फिर यूट्यूब में वीडियो सर्च करते हो कि इन सब से बाहर कैसे निकलें। एक बात समझ लो बढ़िया से ध्यान से, किसी भी लड़की के प्यार में गिरने से पहले एक कदम पीछे लो और खुद से पूछो कि क्यों उसके पीछे पगला रहे हो। तो हो सकता है कि जवाब आएगा कि दिखने में बहुत अच्छी है, फिर पूछो खुद से और तो हो सकता है अब जवाब आएगा कि बातें बहुत अच्छी करती है, स्माइल बहुत अच्छी है। तो इन सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि किसी इंसान की रियल पर्सनालिटी जानने में बहुत टाइम लग जाता है, तुरंत नहीं पता चलता है। तो जल्दबाजी मत करो इस मामले में, जबरदस्ती अपने आप को खालीपन अधूरापन महसूस करवा के लड़की के चक्कर में मत पड़ो। 3 टाइम खाना मिल जाता है भगवान के आशीर्वाद से, यही बहुत है। अब लड़की भी चाहिए, सक्सेसफुल बनने में ध्यान दो।